और ये देखिए, साइक्लोन आने से पहले क्या क्या पहले से तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले तो पानी का आफत हो जाएगा, तो इसलिए जितना भी मेरे पास बड़ा ये टैंक वगैरह है उसमें पानी भर ले रहे हैं। तो सुबह से उठ के यही सब हो रहा है। पूरा घर की साफ़ सफाई हो जाने के बाद इसे टैंक को मैंने ऐसे तरीके से माँज करके धो करके अभी रखा है और इसमें पानी भर रहे हैं। देखिए पानी भर जाएगा तो यहाँ पर लगा देंगे। और ये सारे बर्तन हैं इन्हें भी साइड लगाना है। रात को सब्जी आई थी तो धो कर रखा गया है। इन सभी को फ्रिज में रखेंगे। तो यही सारा काम हो रहा है। इसमें देखिए पानी ज़्यादा ना भर जाए, इसे उठा कर नीचे रखते हैं, नहीं तो फिर हम उठा नहीं पाएंगे। तो ये एक टैंक है, ये एक टैंक है और ऐसा इस तरीके का हांडी है दो तीन, उसमें भर कर रखेंगे। इतना सारा पानी का कलेक्शन हो रहा है और पानी का ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भले हम नहाए नहीं नहाए लेकिन खाना पीना तो चलता रहना चाहिए। इस वजह से पानी भर कर रख दे रहे हैं, पीने वाला पानी, साफ वाला। और पानी हमारा भर कर रख दिया है तो सतर्क रहना ज़रूरी है। यदि कुछ होता है तो ठीक है, यूज़ में आ जाएगा। नहीं होता है फिर भी यूज़ में आ जाएगा। ये सब पानी जो है पौधों में डाल देंगे। तो भर कर रख लिए हैं साफ़ सुथरा पानी। अगर सच में ये साइक्लोन आने वाला है फिर तो ये यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है साइक्लोन की वजह से बिजली पानी सारा कुछ चला जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और एक बार ऐसा हुआ था अम्फान तूफान में, तो हम लोगों को पता है। तो इसी वजह से थोड़ी सी सतर्कता ज़रूरी है। तो इस सतर्क होकर के थोड़ा सा पानी वगैरह हमने भर लिया है। तो इतना पानी हमने भर दिया है जितना दिन भी चल जाए, जुगाड़ हो जाए। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ हमने कर दिया है और इधर अपने लिए चाय बना रहे हैं सारा काम हो जाने के बाद। तो सारा काम हो जाने के बाद थकान हो जाती है, सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या नाश्ता करेंगे। तो यही आज का रूटीन है। तो हमेशा सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है, पहले से सावधान रहना, जिससे कि हल्का फुल्का दिक्कत से बच सके। उसके अलावा बिजली चली जाए उसके लिए ये कैंडल्स वगैरह भी हमने जुगाड़ कर रखे हैं। देखिए पुराने कैंडल्स हैं, कुछ निकाल कर रखे हैं क्योंकि उस टाइम ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर अपने अपने जगह पर मैंने निकाल कर रख लिए हैं। होने का तो अंदेशा है, नहीं हो तो ही अच्छा है, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक न्यू ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, आप लोग हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग की शुरुआत सुबह के सनराइज़ के साथ कर रहे हैं और अभी 7:30 का टाइम हो रहा है। मैं सोची कि आज शुरुआत ऊपर से ही करते हैं, छत पर जाकर। तो चलिए, आए थे ऊपर एक बार टहलने और नीचे का सारा काम वाम हो गया है, तो मैं सोची कि चलती हूँ एक बार ऊपर से घूम कर आती। और ये देखिए कहीं पर भी साइक्लोन का नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं अफवाह थी कि क्या थी, कुछ पता नहीं। ये देखिए आम के साइज आप देख सकते हैं, हमारे प्यारे प्यारे आम। आम बच जाएंगे अगर ये साइक्लोन और तूफान ना आए तो। देख सकते हैं आम। मैं सोची काफ़ी दिन हो गए हैं, सुबह का जो है क्लिप मैं नहीं ले रही हूँ, तो एक बार चलती हूँ सुबह का क्लिप ले लेती हूँ। देख सकते हैं, बस एक क्षण के लिए आई थी। और ये है कनेर का फूल। कल यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा मैंने किया, सारा कुछ यहाँ पर क्लीन किया और इस तरीके से मैंने अरेंज किया। ये सब जितने जो इंडोर प्लांट्स हैं मैंने एक साइड में यहाँ पर रख दिया है ये सब। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ साफ़ सफाई किया था और आज फिर से पत्ते वगैरह गिरे हैं। तो पत्ते तो गिरते रहते हैं, तो यही सब कुछ कल मैंने किया था तो कल नहीं दिखा पाई थी। तो अभी चलते हैं नीचे, नीचे तैयारी करके आए हैं नाश्ता का, नाश्ता बनाते हैं।
तो ये नाश्ता में आलू का भुजिया बनेगा और इधर मैंने आटा लगा कर रख दिया है, पराठा बनाएंगे। और आज जैसे एकादशी है तो मैं दोनों टाइम रोटी खाऊंगी, सुबह के नाश्ते में और दोपहर के लंच में। तो इस वजह से भी नाश्ता बना रहे हैं कि दोनों टाइम का मेरा नाश्ता भी हो जाएगा और इधर सुबह सभी कोई नाश्ता भी कर लेंगे। तो गैस ऑन करते हैं, सबसे पहले पराठा बनाएँगे। तो कोई पराठा बना रहे हैं, बस कर ली। तो नाश्ता बन गया, चाय भी बन गया, नाश्ता करते हैं पराठा भुजिया। देखिए किस तरीके से आज मिट्टी सूख गई है, कल निखिल ने शायद पानी नहीं डाला था। सुबह ही आई थी, एक बार चेक करके गई थी और फिर भूल गई पानी डालना। तो निखिल भी डालेगा तो मैं सोची मैं भी थोड़ा सा लाकर डाल ही देती हूँ, निखिल को आराम हो जाएगा। और ये आज का मौसम चेक कर सकते हैं, बादल बना हुआ है, देखते हैं क्या होगा। अचानक से ऐसा मौसम हो गया, अभी तक तो धूप निकला हुआ था। ये देखिए काले काले बादल, कपड़े वगैरह उठाते हैं। लग रहा है जिसका डर था वही होने वाला है, ऐसा लग रहा है। गीला है तो मत डालो ना। देखिए कैसा भयंकर तूफान आ गया, भयंकर। और आम की देखिए, आम की बारिश होने लगी है, भयंकर तूफान साइक्लोन, ये तो होना ही था। बादल देख सकते हैं, काले बादल, घने बादल। और हौलिया फिर दौड़ाई सब गिर गए, सब गिर गए। अब कितना क्या बचेगा कुछ पता नहीं, तूफान तो आ गया है। और ये देख सकते हो पक्षी बेचारे, और ये देख सकते हैं मेरा ये उजड़ा हुआ हाल पेड़ पौधा का, कितना ये बचेंगे पता नहीं। कितना आटा ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो बचेगा बचेगा। हवा के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है।
हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। अब कितना क्या बचेगा पता नहीं। इस तिरपाल को खोलने के लिए कई दिनों से मैं बोल रही थी, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। बोल रहा था कुछ नहीं आएगा, तूफान वगैरह कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, हवा इधर से आएगा उधर से चला जाएगा, कोई सुन ही नहीं रहा था। आज फाइनली जब फट गया तब ये खुल गया। पता नहीं ये लगेगा कि नहीं। पूरा घर के अंदर मिट्टी मिट्टी हो गया है। अब पता नहीं ये बड़ा वाला साइक्लोन है कि क्या, लेकिन तूफान तो आया है। पूरा घर है मिट्टी मिट्टी हो गया है और बाहर तेज बारिश और आंधी चल रही है। इधर तूफान आ गया और इधर तन्नी भी ट्यूशन गई हुई है 5 बजे का, अभी तक तो वो नहीं आई है। अभी 6:45 का टाइम हो रहा है, अभी उसका आने में टाइम है और वो ये रास्ते में फंस गई। अब वो कैसे आएगी उसका भी एक चिंता लगा हुआ है। तो रात के खाने बना रहे हैं चना दाल और तरोई की सब्जी। ये रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो कुछ दिन पहले बनाई थी, उस दिन मैंने चना दाल नहीं भिगोया था, तो सिंपल सा सिर्फ प्याज के साथ बनाया था। आज चने दाल के साथ मैंने इसे बनाया है। तो बहुत पानी छोड़ता है ये, पानी सुखाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता पकने देते हैं, ढक देते हैं। सब्जी बना रहे हैं और इधर लोड शेडिंग हो गया है, बिजली चली गई है, चारों तरफ अंधेरा है। और इधर इन लोगों का देखिए क्या चल रहा है, अंधेरे में सब अपने फ़ोन में बिजी है, अपना अपना कारनामा कर रहे हैं लोग। बिजली चली गई तो काफ़ी देर हो गया बिजली गए, 1 घंटा कम से कम हो गया। 7:30 का गया हुआ है और 8:30 बजने वाला है। और जो तूफान है हल्का फुल्का सा ही आया, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं आया, हल्का फुल्का सा तूफान आया, हल्का फुल्का बारिश हुआ और तब से शांत है। और अभी देखिए कब से बिजली गया हुआ है और आ ही नहीं रहा है, इधर अंधेरा हो रखा है सारा चारों तरफ। देखिए कैंडल वगैरह जला कर रखे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने सुबह ही सारा इंतज़ाम कर लिया था हल्का फुल्का। और बिजली जाने का तो बड़ा कुछ होता है तभी जाकर बिजली जाता है, लेकिन ये छोटा मोटा तूफान में ही बिजली चला गया। तो बैठकर वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं, बिजली आने का इंतज़ार करते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.